पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रतिमा का दर्शन करने पहुंचे धम्म गुरु अशोकानंद। उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिला के मांडा खास मांडवी देवी मंदिर के सामने पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की लगी प्रतिमा पर पुष्प अर्पण करते हुए दर्शन करते हुए उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। वहां से प्रस्थान के लिए साथ में रहे डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य व भगवान दास कुशवाहा, राजा रामपाल, दिनेश कुमार पटेल व मांडवी देवी मंदिर के पुजारी समेत कई अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए मिर्जापुर से भूप नारायण मौर्य की खास रिपोर्ट। तो मैं भूप नारायण मौर्य इस समय प्रस्थित हूं उत्तर प्रदेश प्रयागराज में मांडा स्टेट इनके मंदिर के सामने जो है माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह का एक जो है कि मूर्ति स्थापित किया गया, जहाँ की धर्मगुरु अशोकानंद जी पधारे हुए हैं। अब आइए इनसे जानते हैं इनके जीवन के बारे में क्या क्या कहना चाहेंगे। गुरु जी आप यहाँ पधारे हैं, अब इनके मूर्ति स्थापना की जगह पर भी आए हैं, इनकी कोठी में भी साथ गए हैं, आप यूँ साथ में हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी मैं धर्मगुरु अशोकानंद मिर्जापुर जनपद से यहाँ आया हूँ, क्योंकि हम सब लोग सामाजिक संगठन आइस बेस के तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री माननीय बीपी सिंह जी को हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं, क्योंकि जानकारी के हिसाब से माननीय बीपी सिंह जी ने ओबीसी आरक्षण अपने शासनकाल में लागू किया था, पार्लियामेंट में पारित करवाया था, जिसके कारण उनकी सरकार गिरी थी, उन्होंने अपना सरकार गंवाया था, उन्होंने दलित पिछड़े वंचितों का प्रति बहुत सहानुभूति रखते हुए उनके प्रति बहुत काम किए थे। अतः हम सब लोगों का फर्ज है, कर्तव्य है कि हम लोग उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें। 25 जून 2022 को उनकी जयंती है, हर साल 25 जून को मनाई जाती है। इस वर्ष हम लोग मिर्जापुर लालगंज में इनकी जयंती मना रहे हैं, जिसके कनेक्शन में संबंध में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ माननीय बीपी सिंह जी की मूर्ति लगी हुई है। मैं अपने मन से श्रद्धा से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जी देखिए दोस्तों, जो है अभी आपको बताया गुरु जी ने कि माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह यहाँ के स्टेट के राजा भी रहे और किसी भी समय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी हमारे देश के रहे। हमारे देश के सभी जो है वर्गों के लिए इन्होंने आरक्षण पर भी बहुत से काम किए, जिससे कि गुरुजी को ऐसा लगा कि आज जो है इनके हित में हम भी काम कर सकते हैं, इनके साथ में रस इनकी जयंती मनाने के लक्ष्य में जो है कि यहाँ आकर के इनकी जगह हर जगहों पर डॉक्टर मौर्य जी हैं, इधर राजा रामपाल जी हैं, भगवान दास मौर्य जी हैं, ये सब मिल करके जगह जगह कोठी वगैरह इनमें जा करके इनके बहुत से चरित्र के बारे में जानकारियाँ ले रहे हैं। देखिए इसके बाद आप लोगों ने इनके जो है कि जयंती समारोह पर क्या क्या जो है प्रसारित करते हैं, लोगों के सामने प्रेषित करते हैं। इसी के साथ जो है कि मांडवी देवी स्थान पर जो है प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए दिनेश कुमार के साथ भूप नारायण की खास रिपोर्ट।